नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। दोस्तों, 11 सितंबर मंगलवार की रात या फिर किसी वही मंगलवार चुपके से रख देना, यहां पर एक लौंग जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ही ज्यादा खास महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको यदि आप किसी भी मंगल दिन कर लेते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो जरूर ही पूरा हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिल सकता है, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी समस्या उनको बताते हैं तो वो जो भी आपको उपाय बताते हैं या तो वो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं या ऐसे उपाय होते हैं जिसमें आपका बहुत ज्यादा समय नष्ट होता है। परंतु यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देख लेते हैं और मंगलवार के दिन किए जाने वाले प्राचीन काल के समय के लौंग के उपाय को समझ करके कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जा रहे हैं। मानिए दोस्तों, जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कोई मनोकामना होगी वह बजरंग बली जी महाराज के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। हो सकता है ये बात आपको ना पता हो, हनुमान जी महाराज, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की पूजा में जब तक लौंग का प्रयोग ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी के सामने चाहता है कि उसकी पूजा सिद्ध हो जाए तो उसको हनुमान जी महाराज के सामने लौंग के उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर लौंग हनुमान जी महाराज को प्रिय क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें, हनुमान जी महाराज का जो शस्त्र गदा का जो आकार होता है वो बिल्कुल लौंग जैसा होता है, इसलिए हनुमान जी को लौंग बहुत ही है। और यदि आप मंगलवार के दिन लौंग के उपाय कर लेते हैं जो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको साक्षात हनुमान जी महाराज की कृपा और वरदान प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई वेद पुराण में साफ साफ कहा गया है कि यदि लौंग का उपाय मंगलवार के दिन सही मार्ग पर सही क्रिया अनुसार किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। तांत्रिक लोगों को भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो जब भी पूजा तो उसमें लौंग का प्रयोग जरूर ही करते हैं, क्योंकि लौंग का प्रयोग करके आप अपनी किसी भी पूजा को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं और सही मुहूर्त पर करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में आपकी कैसी परेशानी हो, कैसे ही दिक्कत और कितनी बाधाएं हो, हर प्रकार की समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति, दूसरी तरफ हनुमान जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि जिन्स जॉब की तैयारी कर करके आप थक चुके थे, आपकी जॉब लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपको किसी बीमारी ने पकड़ रखा था, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन तो आएगा ही आएगा, जो आपके पास धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी, आपका मंगल ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा जिसके बाद कार्य भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी जानते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे हैं, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही सफल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, लौंग के यहां जो आपको बताना रहे हैं ये कुछ उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र से बताएंगे, कुछ उपाय हम आपको ज्योतिष शास्त्र से बताएंगे, इसीलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, हर उपाय को किस मुहूर्त पर करना है, किस क्रिया अनुसार करना है, इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। और मंगलवार के दिन यदि आपने लौंग के उपाय कर लिए जो आपको हम बता नहीं रहा है, जरूर ही आपको इन उपायों का लाभ मिलेगा और जीवन की समस्त से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों,
सबसे पहला उपाय जो दोस्तों वो है धन प्राप्ति का महापर्व। यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आ नहीं रहा है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गया है, मान लीजिए आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिसका आप पहले तो आप भुगतान कर ले रहे थे किंतु कर पाने में असक्षम होते हुए चला रहे हैं और उस कर्ज के बोझ में दब गए हुए चले जा रहे हैं, एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। आज मंगलवार यह उपाय यदि आपने क्रिया अनुसार सही मुहूर्त पर कर लिया, जैसा हम बताने जा रहे हैं, आपको जीवन में खुद दिखेगा कि कैसे भगवान हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले मंगलवार को आपको यह उपाय कैसे करना है ये बड़ा ध्यान से सुनिए, देखिए 5 मंगलवार आपको यह उपाय करना है और 5 मंगलवार मतलब 5 मंगलवार 5 सप्ताह। आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब आपको होगा। पहले मंगलवार को सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है और लाल रंग के ही कपड़े पहनना है। हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। आपको एक चमेली के तेल का दीपक लेना है, एक साधारण सा लाल कपड़ा लेना है, आपको एक चाय शीशे के लिए ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक की चाय ले लीजिए, आप लोग कोई कांच की आपको एक शीशे लेनी है, उसमें आधा नमक भर देना। अब आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठना है, सबसे चमेली का तेल का दीपक जलाना है, लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर ये जो आधार नमक वाली थैली है उसको रखना है। चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद अपने हाथ में 2 लोग पकड़े गए, 2 लौंग हनुमान जी महाराज के सामने पकड़े और हनुमान जी का बीज मंत्र बोलिए। नमक हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दोस्तों ओम हनुमते, इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1000-8000 आपको करना होगा क्योंकि हनुमान जी महाराज हो गए, नाथ हो गए, इनकी पूजा में 1008 का अंक का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। 1008 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और इसी लोन देखो इस शीशे में डाल देना है और शीशे को बंद कर देना। फिर इस लाल कपड़े से इस शीशे की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को उठा करके अपनी अलमारी में, तो चोरी में, जहां पर भी आप पैसे का लेन देन करते हैं वहां पर रख देना। सिर्फ इतना मंगलवार को लीजिए, दूसरे मंगलवार को फिर से शीशे को निकाल लिए, एक चमेली के तेल का दीपक जलाए, फिर से 2 लौंग को हाथ में पकड़ लिए, हनुमान जी महाराज का बीज मंत्र ओम हनुमते नमः का जाप कीजिए और 2 लौंग करके अपनी 5 मंगलवार यहां उपाय कर लीजिए। 5 मंगलवार के बाद आपके जीवन में जो भी ऐसे दोष होंगे जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्टम में फंसे होंगे, उन दोषों से आपको मुक्ति मिलेंगे ही मिलेंगी। ये आपके जीवन धन खींचने का करेगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों वो है घर की बरकत का महाउपाय। मान लीजिए आपके घर की बरकत रुक गई है, आपके घर की उन्नति रुक गई है, आपके घर में रो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 3 मंगलवार या उपाय कर लीजिए। 3 मंगलवार के बाद आपके घर पर जो भी दोषी होगा जिसकी वजह से घर में लड़ो लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश हो रहा था और उन्नति रुक गई थी, ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। 3 मंगलवार आपको सूर्यास्त के बाद बस यह करना है, घर के मुख्य द्वार को लेकर के घर के हर कोने में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और हर दीपक में एक लौंग डालना है। 3 मंगलवार ये उपाय कर लीजिए। 3 मंगलवार या उपाय करने के बाद आपके घर से हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। 3रा उपाय है दोस्तों, में बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। दोस्तों पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चल जाए, तो एक साधारण उपाय हम आपको बता दे रहा हूं। यह सिर्फ एक मंगलवार आपको करना है या उपाय आपको दिन में करना है। सूर्यास्त से पहले सुबह किसी भी मंगलवार के दिन धोए आपको के लाल कपड़ा लेना है, 5 गोमती चक्र लेना है। गोमती चक्र पूजा घर में बड़ी आसानी से मिल जाता है, 5 गोमती चक्र कर लीजिए और 11 लौंग लीजिए। एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र 11 लौंग रख करके उसकी पोटली बना लीजिए। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाए। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाए। इस पोटली को हनुमान जी महाराज के छुपाई है और इस पोटली को ला करके व्यापार स्थान के दान डाल दी जाए।
इतना उपाय यदि आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया, आपके व्यापार में जो भी दोष लगा हुआ था, जिसके लिए आपका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया था, आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है, मान के चलिए वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उससे उसको फायदा पहुंचता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपका मंगल ग्रह साथ नहीं देगा, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। और यदि आपका मंगल ग्रह आपके साथ है तो आप गलत निर्णय भी लेंगे तो गलत निर्णय आपको फायदा पहुंचेगा। और मंगल ग्रह के स्वामी हनुमान जी महाराज, तो आपको क्या करना है, तीन मंगलवार या उपाय कीजिए जो आपको बताना रहे और आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। तीन मंगलवार को तीन सप्ताह आप भोजन नहीं कर सकते हैं। पहले मंगलवार को आपको सुबह उठना है, नहाना धोना, ये एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे को पूरा गंगा जल भर दीजिए, गंगा जल नहीं, यदि आपके पास तो सादा जल भर दीजिए। आप लोगों को दो लौंग लेनी है, किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाइए, सबसे पहले पीपल वृक्ष के जड़ में आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। दो लौंग को आपको पूर्व दिशा में पीपल वृक्ष के पास फेंक देना है, उस पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगानी है, वापस आ जाना। तीन मंगलवार या उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपका मंगल ग्रह इस प्रकार से साथ देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे अपने जीवन में उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेंगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।